तो आप जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाह रही हूँ, ये कंट्री की पैसे के लिहाज से, काम के लिहाज से कैसा है? कंट्री ठीक है, तो मेरे साथ के प्लीज मेरे बात का बुरा मत बनाइएगा, वो जो मेरे साथ के सीरियसली आज भी इसी तरह डंडे मार रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज मैं अपना कर रहा हूँ और मैं अपनी जिंदगी से खुश हो जाऊँ, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह फर्स्ट मैं आया था, मुझे किसी काम का नहीं था पता, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जैसे कल्चर है, मतलब कोई काम नहीं करते हम। जी जी बिल्कुल सही बात है, आपको पता ही है, ज्यादा ज्यादा होगा, ज्यादा हमारे कोई ड्राइवर होगा या ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं है पाकिस्तान में, इंसान कुछ नहीं करता, ज्यादा वेले ही रहता है। जी सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आके शुरू में यकीन माना है काफी मुश्किल देखी है शुरू में। फोन दिखा दें, ये है बस छोटा सा, ये कौन सा है वैसे? 13 Pro है बस, 13 Pro है। दूसरा आपके पास एक और फोन था, वो भी था, वो भी दिखा दें। ये बस अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, एक भाई हमें मिले, ये कहते हैं यहाँ पे डिलीवरी का काम, ठीक है। तो वो से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जो बंदा यहाँ पे करता है राइडर का काम करता है, डिलीवरी का काम करता है होटल पे, रेस्टोरेंट पे, उससे कोई इंटरव्यू वगैरह लेंगे, बातें वगैरह पूछें। ये मेरे भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कर सर जी जनाब, ये हैं हमारे भाई कश्मीर, नाम बता दें अपना भाई। मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब, तल्लक कहाँ से है? मीरपुर आज़ाद कश्मीर, खासकुमा। ठीक, कितना अर्सा हो गया इधर आपको? तकरीबन 3-3.5 साल हो गए। तो आप जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाह रहे हूँ, ये कंट्री की पैसे के लिहाज से, काम के लिहाज से कैसा है? कंट्री ठीक है, कंट्री नाइस है, कंट्री में कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो होता ही है कि आप पे डिपेंड करता है, जैसे आप आ रहे हैं जिस काम पे आ रहे हैं, मेन चीज़ है जिस पे आप जिस काम पे आ रहे हैं वो काम होना चाहिए। सही बात होगी। अगर सम टाइम ऐसे होता है सिर्फ इंसान आने के लिए झूठ भी बोल देते हैं, कहते हैं जी हम इलेक्ट्रिशियन हैं, हम प्लम्बर हैं, और यहाँ पे आके उनको कुछ भी नहीं पता होता, तो इस वजह से जैसे उनके एजेंट होते हैं उनके बताते हैं जी कोई मसला नहीं है, आपने आने ही है, जस्ट अपने पैसों के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए वो ऐसे करते हैं जी ठीक है जी आप आना चाहते हैं आ जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे, कई बंदे ऐसे भी देखे हैं आते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है इलेक्ट्रिशियन करके आते हैं, लेकिन कोई काम ही नहीं आता, कोई कुछ काम नहीं आता, जस्ट जहाज में बैठने की खुशी के लिए वो चलो। सही बात होगी, ये बात में कहना चाहता हूँ, प्लीज़ कई बंदे हैं मेरी बात सुनकर शायद उनको हर्ट भी हो, लेकिन जहाज में बैठने के लिए अपना मुस्तकबिल खराब मत करें। सही बात होगी, बस जो काम आपको आता है ठीक है उसके लिए आप आ जाए, अगर वैसे आपको जहाज में बैठने का शौक है, हाँ अगर कोई आप काम करना चाहते हो लाइक रेस्टोरेंट के लिए किसी चीज़ की ये रिक्वायर नहीं होती, बर्तन धोने के लिए किसी को रिक्वायर नहीं होती कोई चीज़, जी हाँ सही है। अगर आप किसी चीज़ का आपको इलम है, किसी चीज़ का लाइक आपको पता है, किसी चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो उस काम के लिए अगर आ रहे हैं तो बेस्ट है। अगर वैसे कोई आपको कह रहे कि वैसे जी आप आ जाए कोई मसला नहीं है, अक्सर केस हो चुका है यहाँ पे बंदे आते हैं लाइक कहते हैं कि जी हम यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे आ जाए, आपको ये काम इस काम पे बुला रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, आप ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड है कुछ इसी तरह उनके साथ हुआ है कुछ मंथ पहले, ये आए किसी काम पे थे, उनको पता ही किसी काम का नहीं था, वो यहाँ पे आके उनके साथ उल्टा फंस गए, वो फंस गए, यकीन माने उनकी जैसे बुरी हालत है, अल्लाह माफ़ करे, बता नहीं सकता, हमसे भी जितनी हेल्प हो रही है हम उतनी कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये है कि प्लीज़ जिस काम पे आप आ रहे हैं अगर आपको 100% हो तो तब आएँ, वैसे आने का फ़ायदा नहीं है। अगर वैसे आना है आपने रेस्टोरेंट के काम पे, किसी पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं आप, या मार्केट पे आ रहे हैं वगैरह आ रहे हैं, या फॉर कोई फैक्ट्री वगैरह में आ रहे हैं, इज इस ओके, अगर आपको काम का पता है तो फिर बंदे से बात करें कि हाँ मुझे ये काम आता है 100% आप कर सकते हैं, सो दैट्स वाई आप आ सकते हो यहाँ पे। सही है, वैसे आने का जी वैसे जहाज में बैठने के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जहाज में बैठने की जल्दी सबको होती है, और वापसी आके जब काम ना हो इंसान से, इंसान बड़ा जल्दी होता है। सही बात, इस वजह से यही है सबसे सबको यही मशवरा दे रहा है कि आपको जो काम आता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें, और फिर काम कराएं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें, फिर बात करें। हाँ ये है कि हम आपको कहते हैं कि कोई मसला नहीं आपके साथ, यहाँ पे आ जाएं, कोई इशू नहीं है, हम आपका काम करा देंगे, हम आपको यहाँ पे बुला लेंगे, बुला तो सारे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जलालत बड़ी होती है अगर आपको कोई दूसरों के बाद मिल जाए तो। सही बात, सबसे यही इल्तिमास है कि जो भी काम। अच्छा सीर भाई, आपको सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको 3 साल हो गए यहाँ पे, ठीक है, तो आपने क्या खोया क्या पाया, अपना एक्सपीरियंस बता दें लोग, क्योंकि लोग कुछ लोगों का ध्यान ये है कि इस कंट्री में, कुछ लोग ये कह रहे हैं इस कंट्री में नहीं आना, ये होगा वो होगा, लेकिन ये कि जो लोग काम कर रहे हैं, आप फोन कौन सा आपने रखे हुए ये बता दें, दिखा दें प्लीज मेरे व्यूज को, दिखा दें फोन, आप होटल पे काम करें, फोन दिखा दें। ये है बस छोटा सा, ये कौन सा है वैसे? 13 Pro है बस, 13 Pro है। दूसरा आपके पास एक और फोन था, वो भी था, वो भी दिखा दें। ये बस छोटा जी, ये देख लें, ये भाई है हमारे कसुमा से। तो मैं फोन दिखाने का मतलब ये था
कि हर बंदा एक जैसा नहीं है, ठीक है, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, हर बंदा अपनी राय देता है। तो ये मेरे भाई हैं, यहाँ पे काम के 3 साल हो गए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब, इन्हें गाड़ी भी अपनी रखी हुई है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेटअप है इनका। तो यहाँ पे होटल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी हैं। तो इसमें अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस होटल के काम का शेयर कर दे रुकू से प्लीज। जी फर्स्ट ये है कि फर्स्ट मैं आया था, मुझे किसी काम का नहीं था पता, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जैसे कल्चर है, मतलब कोई काम नहीं करते हम। जी जी बिल्कुल सही बात है, आपको पता ही है, ज्यादा हमारे कोई ड्राइवर होगा या ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं है, पाकिस्तान में इंसान कुछ नहीं करता, ज्यादा वेला ही रहता है। जी सही बात है, बिल्कुल। यहाँ पे आके शुरू में यकीन मानना काफी मुश्किल देखी है, शुरू में आपसे शेयर कर रहा हूँ कि शुरू में मैंने काफी प्रॉब्लम देखी है यहाँ पे, ठीक है, इवन 8 मंथ मैंने 8 मंथ सही बात। फिर उसके बाद अपने अपने दिमाग की बात होती है, अपनी जुबान पे फर्स्ट लैंग्वेज पे फोकस करें, ठीक है, आपको लैंग्वेज आ जाती है ना तो कोई भी आपके लिए कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, आपको समझ लग जाती है, कोई भी काम आसानी मिल सकता है, काम आसानी से मिल सकता है। आपको समझ नहीं लग रही, फर्ज कह रहे हैं आपको पानी दे दो, आपको समझ नहीं लग रही आप उसे पानी कैसे दोगे, ठीक है, सारी बात है, फिर तो आपके लिए मुश्किल है। बस ये है कि 8 मंथ मैंने गुजारे हैं, उसमें मेरा यही फोकस था, चलो बर्तन तो मैं साथ होता था, साथ ये मेरा था कि यार चलो मुझे लैंग्वेज आ जाए। लैंग्वेज के बाद मैंने अपने मुताबिक अपना काम ढूंढा, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ी तकलीफ परेशानी देखनी पड़ी है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है मैं जो हजारों लैंग्वेज से बेहतर हूं, कहीं से बेहतर हूं, सही बात है। वो जो मेरे साथ के, प्लीज मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा, वो जो मेरे साथ के सीरियसली आज भी इसी तरह डंडे मार रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज मैं अपना कर रहा हूँ और मैं अपनी जिंदगी से खुश हो जाता हूँ, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, होटल के काम के लिए जो बंदे आने जा रहे हैं, वैसे आप आपके अभी जो सिस्टम चल रहे हैं, आप क्या एक मतलब थोड़ा सा अंदाजे के साथ बता सकते हैं कि कितना खर्चा आज आने के लिए, वैसे नॉर्मली है लाइक खर्चा नॉर्मली ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि इंसान आपको कितने में बुला रहा है। सारी बात है, जो आपको बुला रहा है वो उसके लिए सबकी जहन में एक बात तो होती है कि मेरा अगला पता नहीं कितने पैसे रखेगा हमें। जी जी जी, जो आपको कहते हैं जी आप इतने लगा के आए हो, आप इतने में बुला लेंगे, आपको अगर उतने में बुला ले तो भाई आप कहाँ थे तब। सही बात है, क्या आप हमें बुलाओगे, क्या आप कुछ भी नहीं रखोगे अंदर। सही, लेकिन ये है कि बात करने का यही मकसद है कि आप पहले तो ये बात करें कि जिस बंदे को आप जानते हैं पर्सनली, ठीक है, उस बंदे से रिश्ता करें। और हाँ, ये कई बंदे यहाँ पे भी हैं आप नहीं जानते, जस्ट जी उनका नाम सुना हुआ जी, उनके नाम से आप आ रहे हैं और आके आप जलील हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अपना कोई जानने वाला बंदा हो, ठीक है, वो बेहतर रहता है। मेरा तो ये ज़ाती मशवरा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पेमेंट शो नहीं कर सकता, यहाँ पे आपको बता नहीं सकता मैं। सही बात, सारी बात है, हर बंदा रिक्वेस्ट करता है, जी जी सर मैं बता नहीं सकता। सही बात होगी, ठीक है। जैसी भाई, आप कितने घंटे ड्यूटी करते हैं ये लीवी के काम की, टाइमिंग बता दें प्लीज, क्योंकि लोग जाने जा रहे हैं, इसमें सवाल करने जाता है। वैसे मेरी बनती है तकरीबन 12 घंटे बनती है, 12 घंटे सम टाइम 13-14 उधर ओवर टाइम आ जाता है ना, ओवर टाइम आ जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो सैलरी वगैरह कितनी है, हमें बता सकते हैं? अभी जो मौजूदा सैलरी चल रही है वो मेरी सैलरी है, मैं अपनी बता रहा हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। वैसे एक्सक्रूज रहता है यहाँ पे 6090 आई थिंक, 6090 और मेरी है इस टाइम सैलरी तकरीबन 8.5। 8.5 माशाल्लाह जी, देख लें 3 साल में स्ट्रगल की है, 8 माह पहले इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अभी इनकी 8.5 साल सैलरी है और अपने काम से खुश भी हैं, मुतमिन ने, ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का जहन ये कंट्री नहीं ठीक है, ऐसे वैसे हर बंदे में, मैंने आपको बताया कि हर बंदे की अपनी ओपिनियन है। तो ये भाई हमारे सीब, इन्होंने आपकी सारी बातें बता दी हैं। और मेरा भाई कोई भी जो है ना, वो किसी वाले से कोई सवाल जवाब करना चाहता है कि मतलब किसी और काम के हवाले से, मतलब डेंटिंग पेंटिंग हो गया, रंग का काम हो गया, किसी भी हवाले से कोई सवाल जवाब करना चाहता है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस काम से रिलेटेड जो बंदा होगा उससे पूछूंगा कि उसकी सैलरी कितनी है, काम कितने घंटे है, वो वीजे के कितने पैसे दे के है, क्या हिसाब किताब है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सब बातें आपको बताने की। और सी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त निकाला, बिजी थे तो इसके बावजूद ने वक्त निकाला। ये देखें कि बाइक खड़ी है, ये रास्ते में मुझे मिले हैं तो रोक लिया इनको, मैंने सोचा कि आप लोगों को इनसे दो चार बातें करके आपको आप तक पहुँचा दूँ। थैंक यू वेरी मच सी भाई, थैंक यू। अच्छा, मेरे व्यू से गुजारिश कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज, कश्मीर टू यूरोप व्लॉग। जी हमारे भाई हैं, इन्होंने शुरू किया सीरियसली, हमारा कोई पहला अपना बंदा नहीं था अपना कश्मीर का या इस तरह कुछ, लेकिन हमें बड़ी खुशी हो रही है, इनको सपोर्ट करें प्लीज, इनको सपोर्ट करें, ये हमारे भाई हैं प्यारे से, इनको सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।